अंबिकापुर में एनएसयूआई ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर हमले और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करने के साथ फर्जी एफआईआर करने का विरोध जताया है। एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष हिमांशु ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं और महात्मा गांधी को मानने वाले हैं। हमारे नेता राहुल गांधी के द्वारा पूरे देश में चल रहे मोहब्बत की दुकान की है, तो वहीं प्रदेश की भाजपा सरकार के द्वारा राजनीतिक षड्यंत्र पुलिस के माध्यम से कराया जा रहा है। एक तरफ पूरे प्रदेश में चोरी लूटपाट और बढ़ते अपराध के मामले में पुलिस का ध्यान नहीं जा रहा है, बल्कि फर्जी एफआईआर एवं राजनीतिक षड्यंत्र कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को जेल भेजने का काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज एवं फर्जी एफआईआर करने के विरोध में प्रदेश एनएसयूआई के निर्देश पर अंबिकापुर में भी एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के द्वारा जिले के एसपी को मुख्यमंत्री और गृहमंत्री के नाम गुलदस्ता और गेटवेल सून का कार्ड भेंट कर विरोध जताया गया। हिमांशु जायसवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष एनएसयूआई। गुलदस्ता भेजे देखिए, हम लोग कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, हम लोग महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं। हमारे नेता राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान पूरे देश में चल के की है। जिस तरह से विष्णुदेव साय विजय शर्मा जी के द्वारा पूरे प्रदेश में राजनीतिक षड्यंत्र पुलिस के माध्यम से कराया जा रहा है, जबकि पूरे प्रदेश में चोरी अपराध लूटपाट जैसे मामले पे पुलिस का कोई ध्यान नहीं, फर्जी एफआईआर एवं राजनीतिक षड्यंत्र करके कांग्रेस के नेताओं को जेल डालना, लाठीचार्ज करना एवं अन्य जो गतिविधि करी है उसी के विरोध में आज प्रदेश एनएसयूआई का आह्वान पर हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक सरगुजा को मुख्यमंत्री और गृहमंत्री के नाम पर गुलदस्ता और गेटवेल सून का दिया। हमें लगता है कि ये दोनों दिवालिया हो चुके हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि किस तरह सरकार चलानी है। हम उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए गेटवेल सून का कार्ड और गुलदस्ता